तो फेसबुक पे आप लोग कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, कितना टाइम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, सारा चीज़ आप लोग यहाँ पे अपने यहाँ पे फेसबुक ऐप्स में जाके देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं इस वीडियो में आपको डिटेल से बताने वाले। उसके बाद अगर आप लोग का फालतू टाइम यहाँ पे फेसबुक पर जाता है, अगर आप लोग कुछ देख लिए फेसबुक पर आते हैं, उसके बाद कोई भी चीज़ यहाँ पे देखते रहते हो, टाइम कब बीत जाता है आपको पता भी नहीं चलता। तो आप लोग यहाँ पे सेट कर सकते हैं, जैसे 1 घंटा चलाना चाह रहे हैं, 2 घंटा चलाना चाह रहे हैं, यहाँ पे सेट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे रिमाइंडर दे देगा, उसके बाद आप लोग वहाँ पे उसको बंद कर सकते हैं और अपने टाइम को बड़े आसानी से बचा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे फेसबुक ऐप्स ओपन कर लेना होगा। फेसबुक ऐप्स ओपन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस नज़र आएगा दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे आपको 3 डॉट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर लेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद उसके यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है, तो सेटिंग वाला ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद उसके यहाँ पर काफ़ी सारा फीचर आपको दिख जाए, कंटेंट, प्रोफेशनल, नोटिफिकेशन, एसेसिबिलिटी, उसके बाद यहाँ पर टैग बार, लैंग्वेज वगैरह, मीडिया वगैरह, योर टाइम। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिख जाएगा, योर टाइम ऑन फेसबुक, तो इस पर आपको क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद उसके बाद आपको यहाँ पे सारी चीज़ आपको दी जाएगा, सी योर टाइम, तो वहाँ पे इस पर क्लिक कर लेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको पता चल जाएगा, मतलब आप वीक में या फिर डेली कितना टाइम फेसबुक पे स्पेंड कर रहे हैं, कितना टाइम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो आप लोग देख सकते 4 मिनट 0 सेकेंड पर डे, मतलब डायनामिक। उसके बाद यहाँ पे 4 मिनट, और कब से कब यूज़ कर रहे हैं ये भी दिख रहा है। यहाँ पे 6 AM से 6 PM, 6 बजे दिन से उसके बाद रात 10 बजे तक। तो आप लोग देखते हैं इसी तरीके से आपको पता कर लेना है आपको। तो विजिटर, उसके बाद आप एक ऑप्शन दिख रहा है वीकली अपडेट, अगर आप लोग वीकली अपडेट देखना चाहें तो इस पर ऑन कर लेंगे। उसके बाद एक्टिविटीज़ लॉगिन्स की दिख रहा है, तो इस पर क्लिक कर लेंगे। इस पर क्लिक करेंगे, सी एक्टिविटीज़, सारा चीज़ आपको यहाँ पर दिख जाएगा। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इस पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उसके बाद योर एक्टिविटीज़, इस पर क्लिक कर लेंगे। इस पर क्लिक करेंगे, कमेंट एंड रिएक्शन, सारा चीज़ दिख जाएगा, पोस्ट, उसके बाद एक्टिविटी लिंक, उसके बाद यहाँ पे मैसेज, ग्रुप, रील, स्टोरी, क्या क्या आप देख रहे हैं, फेस, सारा चीज़ आपको यहाँ पे दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बैक करते हैं, अगर आप लोग चाह रहे हैं कि मैं अपने टाइम को मैनेज करूँ, मैं मतलब जितना टाइम सेट करूँ उतना ही टाइम मैं फेसबुक पर चला सकूँ। उसके बाद यहाँ पे क्विट मोड ऑप्शन दिख रहा है, तो इस पर यहाँ पे आप लोग सेट कर सकते हैं, 1 घंटे के लिए चलाना चाह रहे तो 1 घंटा यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अगर और दिन के लिए चलाएं, जैसे मुझे 1 घंटा ही चलाना है डे में, तो 1 घंटा मैं सेव कर लिया हूँ। उसके बाद 1 घंटा अगर हो जाएगा, ये आप ऑटोमेटिक यहाँ पे बता देगा कि 1 घंटा आपका फेसबुक पे हो गया। उसके बाद यहाँ पे शेड्यूल टाइम पे दिया है, आप लोग कब से कब करना चाह रहे हैं यहाँ पे सेट कर सकते हो अपने हिसाब से, तो आपका जो भी टाइम फालतू जा रहा है सब बच जाएगा। उसके बाद यहाँ पे डेली टाइम रिमाइंडर, इसको भी आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी यहाँ पे जैसे 1 घंटे के लिए मैं डेली यहाँ पे यूज़ करना चाहता हूँ, तो उसको 1 घंटा, मिनट भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी मिनट आपको चाहिए, 1 घंटा, 1.5 घंटे, जैसे मैं 1 घंटा 15 मिनट यूज़ करना चाहता हूँ। उसके बाद यहाँ पे सर रिमाइंडर वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे। उसके बाद इतना चीज़ करने के बाद, उसके बाद यहाँ पे जितना भी जब भी आप लोग फेसबुक यूज़ करेंगे, उसके बाद यहाँ पे इतना टाइम हो जाएगा, 1 घंटा 15 मिनट हो जाएगा, ऑटोमेटिक ये बता देगा कि आपका टाइम ओवर हो गया। उसके बाद आप लोग बंद कर सकते हैं, इससे क्या होगा आपका टाइम भी बच जाएगा और आपका यहाँ पे काम भी हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप लोग अपने फेसबुक पे जो भी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, इस तरीके से आप लोग मैनेज कर सकते हैं, इस तरीके से आप लोग अपने टाइम को बचा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर, कॉल बेल क्लिक कर ले, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो का अपडेट आप लोग को सबसे पहले मिल जाए। और वीडियो को उन सारे लोग के पास शेयर कर दे जो यहाँ पे फेसबुक पे दिन भर अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।